गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी के जो है दूसरे सेशन में हम मिल रहे हैं। इसके पहले जो है हमने प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात किया था, जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास था बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के। आज जो है हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनका यूज जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है या बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में किया जाता है, और इन्हीं टूल्स को लेकर के जो है हमें फोकस करना है। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि जो है आप मॉडर्न बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन टच करो, जिससे कि जो है आपको अपकमिंग वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा जो है आप मेरे ब्लॉगर साइट पर जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज अवेलेबल है, या मेरे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हो जो मॉडर्न बायोलॉजी 95 के नाम से ही है, और उस पर न केवल आपको ये वीडियोज अवेलेबल होंगे बल्कि और भी बहुत सारे जो है मेडिकल साइंस से रिलेटेड और बायोलॉजिकल वर्ड से रिलेटेड जो है वीडियोज अवेलेबल हैं उस पर। तो आप उनको देखो, जानो, समझो कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजिकल वर्ड क्या है। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं जो है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दोनों हम कह सकते हैं, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें जो मेजर टूल्स हैं हमारे, वो फाइव मेजर टूल्स हैं, वो हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स जिनको कि हमें यहाँ देखना है, ठीक है, जानना है, समझना है, ठीक है। तो इन्हीं टूल्स को हम देख रहे हैं, ये टूल्स हैं क्या। तो पहले हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अगर देखने के लिए जो है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो दे बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएज, यानी न्यूक्लिएज जो एंजाइम्स होते हैं उन्हीं से ये बिलोंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक्चुअली न्यूक्लिएज क्या है, आप याद करो, आप जो है क्लास 11th में या क्लास 10th में पढ़े हो जो है डाइजेशन, और डाइजेशन के दौरान जो है जब हम न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बात किया था न्यूक्लिएज एंजाइम्स की, आरएनएज, डीएनएज, फर्दर न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये जो है एंजाइम्स की बात हमने की थी जो कि जो है न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक उसी तरह से वह उन्हीं न्यूक्लिएज के कैटेगरीज के ये एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। इनको यूज किया जाता है न्यूक्लियर सीजर के रूप में, न्यूक्लिक एसिड को जो है कट करने के लिए जो है इन एंजाइम्स को यूज किया जाता है, और इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो दो मेजर कैटेगरीज हैं इनको अगर हम देखें तो ये जो दो मेजर कैटेगरीज हैं वो पहला है एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा है एंडोन्यूक्लिएज। तो ये एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज हैं क्या, इनको जो है हमें जानने की कोशिश करनी है कि ये क्या चीजें हैं। तो जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स को टर्मिनल एंड से कट करता है। व्हाट इज द कटिंग ऑफ टर्मिनल एंड्स, देखो जरा ये हमने एक मान लो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो है इस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके हमें हटाना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को कट करने के लिए हमें यहाँ पर न्यूक्लियर सीजर यूज करना पड़ेगा, और ये जो न्यूक्लियर सीजर होगा वो एक्सोन्यूक्लिएज होगा, और इसको जब यहाँ एक्सोन्यूक्लिएज को हम यूज करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस, ये हमारा अलग हो गया और जो है ये हमारा अलग हो गया। तो जो है ये जो टर्मिनल एंड था या एंड पे जो बचा हुआ था न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको जो है कट करके हटाया गया, और इसके लिए हमने यूज किया एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज का यूज जो है अगर हमें इस डीएनए सीक्वेंस को जो है कहीं बीच से कहीं मिडिल पोर्शन से कट करके हटाना हो, मान लो हमें यहां से यहां को हटाना हो, इन दो पोर्शन को जो है यानी इस पोर्शन को जो है हमें हटाना है, ठीक है। तो इस पोर्शन को हटाने के लिए जो है हम एंडोन्यूक्लिएज यूज करेंगे, इसके लिए हम इस एंडोन्यूक्लिएज को यूज करेंगे, और इस कंडीशन के लिए हम एक्सोन्यूक्लिएज को यूज करेंगे। तो टर्मिनल एंड के लिए हम एक्सोन्यूक्लिएज यूज कर रहे हैं, और जो है मिडिल पोर्शन से अगर हमें कट करना है तो उसके लिए जो है हम एंडोन्यूक्लिएज का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम मिडिल पोर्शन से यूज करेंगे कट करने के लिए तो एंडोन्यूक्लिएज यहां भी वर्क करेगा और यहां भी वर्क करेगा, इन दोनों पोजिशन पे वर्क करेगा, और कट करके जो है ये हो जाएगा, और ये हमारा जो बीच वाला पोर्शन है वो ये, ठीक है। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वर्क करते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में और भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होते क्या है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो लीन एंड आर्बर ने 1963 में जो है एंजाइम की जो है दो एंजाइम जो है आइसोलेट किए थे इस सिलसिले को जो कि रेस्ट्रिक्ट करते थे बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को। One of the added methyl group to DNA, while the other cut the DNA into segments is called restriction. तो वहाँ पे जो दो enzymes उन्होंने use किए, जो isolate किए, उसमें से एक जो था वो methyl group को attach करता था DNA के साथ, और दूसरा जो था वो DNA के segment को cut करता था। और उन्होंने ही नाम दिया लीन और आर्बर ने जो है इन enzymes को restriction endonuclease। आगे चलकर के स्मिथ, विलॉक्स एंड केली ने 1968 में जो है isolate किया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को, जिसका नाम था हेमोफिलियस इन्फ्लुएंस, जिससे कि जो है उस फर्स्ट एंडोन्यूक्लिएज को जो है क्या किया गया, आइसोलेट किया। तो हेमोफिलियस इन्फ्लुएंस जो बैक्टीरिया था उससे इसको अलग किया गया, ठीक है, और इसका नाम दिया गया हिंद टू में ए जो है ये जो एच आई एन है ये जो है इस बैक्टीरियल नेम से लिया गया। देखो ध्यान से जरा देखा समझने की कोशिश करते हैं हम। दिस एच इज टेकन फ्रॉम द जेनेरिक फर्स्ट लेटर एंड आई एन इज टेकन फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा आई एन ऑफ द इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो जो है डीएनए को कट कर रहा था और हिंद टू जो है ऑलवेज कट डीएनए एट ए पर्टिकुलर साइट पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर्स कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, जितने भी एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे वो रिकॉग्नाइज करता है और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे वो कट करता है। तो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहां पर वो वर्क करता है, जहां पर वो उसे उस डीएनए को कट करता है। आज के समय में मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है आइसोलेट किए जा चुके हैं, ठीक है, और उसमें से जो है जो ये आइसोलेट किए गए हैं ये लगभग 200 से ज्यादा जो है बैक्टीरियल स्ट्रेन से ये आइसोलेट किए गए। तो ये अब जितने जो है अभी फिलहाल जो है कितने एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो लगभग 3000 टाइप्स के जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं टाइप टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि एंडोन्यूक्लिएज हैं, ठीक है, तो ये डीएनए सीक्वेंसेस को जो है अलग अलग जो है पॉइंट पे जिन्हें कि रिकॉग्निशन साइट कहते हैं उसके जो है वहां पर वो जाकर के उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पे जाकर के उसे कट करते हैं। तो जो है ये कैसे कट करते हैं, क्या करते हैं, ये तो अभी हम आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल अभी आपको एक खास चीज जो है देखना है कि द रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज पैलिंड्रोमिक वेयर द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट द सेम 5 days to 3 days or 3 days to 5 days। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ एग्जांपल भी होगा, यहाँ देखो ये देखो जानने की कोशिश करो इससे, फिर हम पीछे जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये डीएनए है और इस डीएनए को जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कट कर रहा है। जरा यहाँ देखो जी ए ए टी टी सी, नीचे भी देखो नीचे ये जो है यहाँ पे हमारा 5 डैश है, ठीक है, और ये जो है हमारा 3 डैश है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 डैश और ये हो जाएगा हमारा 3 डैश। अब देखो 5 डैश टू 3 डैश अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो जी ए ए टी टी सी, और अगर नीचे वाला जो है हम पढ़ने की कोशिश करें तो फिर नीचे वाला भी क्या आ रहा है, जी ए ए टी टी सी। ध्यान दो ऊपर वाला 5 डैश टू 3 डैश के डायरेक्शन में जो कट कर रहा है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो जी ए ए टी टी सी, और नीचे वाले में जो ये हमारा नीचे वाला 3 टू 5 डैश है इसमें अगर हम पढ़ेंगे 5 डैश टू 3 डैश की तरह तो जी ए ए टी सी टी टी सी। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसको कि हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ें या राइट हैंड साइड से पढ़ें उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है होता है यहाँ पे देखो ये जी ए ए टी टी सी 5 डैश टू 3 डैश पर भी है, और जो है ये देखो जरा सी टी टी ए जी जी ए ए जी, इसको अगर जो है हम इधर से पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगा जी ए ए टी टी सी, ठीक है ना। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करके पढ़ते हैं तो हमें जो है ये दोनों जो है जो सीक्वेंसेज होंगे हैं, चाहे हम उल्टा पढ़ें चाहे सीधा पढ़ें वो जो है G A A T T C।
होगा और ऐसे जो है सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक और जो है हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो है मलयालम। वो क्या है? मल MALYALAM। अगर हम यहां से चलें तो MAL, ठीक है, MALYALAM, MALYALAM। तो ये जो है ये हमें एक ही जो है सीक्वेंस मिल रहा है, चाहे हम इधर से चलें चाहे हम इधर से चलें, मलयालम, और इधर से भी चलेंगे तो मलयालम, ठीक है। तो जो है ये सीक्वेंस हमें वही मिलता है जो, और इस तरह के सीक्वेंस को हम जो है बोलते हैं जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देखो जरा, करना K A N A K, चाहे इधर से हम स्टार्ट करें चाहे हम इधर से स्टार्ट करें, दोनों ही कंडीशन में ये कनक है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है अपना एक जो है रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस होता है, और उसी रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस में ये कट करता है। और रिक्वेस्ट सीक्वेंस में जो कट करता है वो कट ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ठीक है ना, डीएनए सीक्वेंस है इसको, तो कटिंग कुछ इस तरह से नहीं होती है कि ये ऐसे कटिंग, बल्कि कटिंग जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, जब ऑब्लिकली कटिंग होती है। जब ऑब्लिकली कटिंग होती है तो ऐसे कंडीशन फॉर्म होते हैं स्टिकी इन का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ये स्टिकी इन बन रहा है, ये देखो कटिंग ऐसे नहीं हुई, कटिंग ऐसे नहीं हुई है, बल्कि कटिंग जो है ये इस तरह से हुई है ऐसे। तो ये कटिंग हुई, अब जो है कटिंग इस तरह से हुई कि जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और जुड़ करके जो है ये रिकॉम्बिनेशन डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो एंड मिल रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड जो मिल रहे हैं, ये दो डीएनए जो है कि कटिंग हो रही है एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, तो ये स्टिकी एंड बन रहे हैं। यानी स्टिकी एंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर समझो जरा, अगर हम इसको ऐसे कट करते तो ये हमें ऐसे मिल रहा है। अब ये ब्लंट इंड होते हैं, ये क्या होते हैं? ब्लंट इंड होते हैं। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे कट करेंगे तो ये हमें ऐसे मिलेगा, अब ये क्या हुआ? ये और ये जो है ये स्टिकिंग हो गया, ताकि ये दूसरे के ऊपर आकर के आसानी से जो है ये अटैच हो सके। तो ये स्टिकिंग में कट होते हैं, ठीक है, उसी को अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। तो जो है ये स्टिकिंग को कट करते हैं और इनका अपना एक रिकॉग्निशन साइट होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो जो कट करते हैं, आप देखो यहाँ पे फिर से हम इस एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है, ये ECO R1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ECO R1 है, और ये ECO R1 का जो है ये कटिंग साइट है, रिकॉग्निशन साइट है। तो कैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है, ये वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए अभी आया, हमने आपको बताया जब मैं पढ़ा रहा था सुबह, हमने आपको बताया कि फॉरेन डीएनए जो होता है वो जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको हमें इंसर्ट करना होता है, और वेक्टर डीएनए वो जिसमें कि हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, और फर्दर वेक्टर डीएनए जो है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है इंसर्ट करेगा पोस्ट ऑर्गेनियम के बॉडी के अंदर। तो हम देखने की कोशिश करते हैं जरा पैलिंड्रोमिक जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। देखो यहाँ पे और भी कुछ जो है यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं, सिविक मैडम, ठीक है, ये दोनों भी जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। ECO R1 का जो है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कटिंग रिकॉम्बिनेशन साइट है, और ये दो स्टिकी इंड बन रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पे, ताकि जो है ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है, और देखो ये इस तरह से अटैच होगा, ठीक है, इस तरह से अटैचमेंट हो जाएगा फाइनली। अब देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखा रहा है, किस तरह से जो है डायग्रामेटिक रिकमेंडेशन को देख रहे हैं। टूल्स की बात हम कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास फॉरेन डीएनए, और इस फॉरेन डीएनए का ये छोटा सा सेगमेंट जो है, ये छोटा सा सेगमेंट जो है
इसको इंट्रोड्यूस करना है होस्ट के बॉडी में। और ये वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए का मतलब क्या हुआ, हम कोई वेक्टर लेते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है पहुंचाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे आप जो है डिजीज कॉजिंग में वेक्टर पढ़ते हो, जैसे मलेरिया को कॉज करने वाला जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है वो तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन मलेरिया हमें पहुंचाता कौन है हमारे बॉडी में, मॉस्किटो। एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो है जब कट करती है, बाइट करती है, तो अपने ब्लड के साथ हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ देती है। तो मॉस्किटो क्या हुआ यहाँ पे, वो वेक्टर हुआ जो उस डिजीज कॉजिंग फैक्टर को हमारे बॉडी में इंसर्ट करता है। तो ठीक उसी तरह से ये जो जो है हमारा हो गया, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया, ये जो है हो गया हमारा फॉरेन डीएनए जिसको कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचाना है, और पहुंचाएगा कौन, पहुंचाएगा ये वेक्टर डीएनए या प्लाज्मा। तो आप देखो दोनों को कट करना पड़ेगा ना, इसको हमने कट करके जो है यहाँ एंडोन्यूक्लियस यूज किया हमने, ये कट करके जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग कर दिया, और ये जो है वेक्टर डीएनए को हमने कट करके जो है यहाँ पे जगह बना लिया जो है ताकि यहाँ पे जो है फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अटैच कर सकें। अब डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है यहाँ पे अटैच कर दिया और ये हमें मिल गया जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है हमने जो है बैक्टीरियल सेल में डाल दिया। बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद जो है ये क्लोनिंग करेगा, यानी अपना जो है मल्टीप्लीकेशन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसको भी जो है जानना बहुत जरूरी है कि हाउ कैन वी नेम, हाउ कैन वी गिव नेम टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो इनके जीनस से आता है, पीछे हमने एक एग्जांपल भी जीन वाले में बताया था। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस एंड नेक्स्ट टू लेटर फ्रॉम द स्पीसीज। जैसे एच जो है वहां हीमोफिलस था तो जो है एच वहां आया था, और इन्फ्लुएंजा से जो है आईएन आया था, एच आई एन बोलते हैं बैक्टीरियम प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे उसके बाद आगे डी था। तो देखो यहाँ पे उसी एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे हिंद टू इज फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे डी जो है डी स्ट्रेन का नाम है, डी क्या है स्ट्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, अब द रोमन नंबर फॉर्मिंग दीज फोर लेटर्स इंडिकेट द ऑर्डर इन व्हिच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। अब हिंद टू का मतलब ये हुआ कि पहले हिंद वन जो है आइसोलेट होगा, फिर हिंद टू आइसोलेट होगा, फिर थ्री आइसोलेट होगा, इस तरह से ये रोमन अंक जो है किस सिक्वेंस में जो है आइसोलेट हुआ है उस सीक्वेंस की बात करते हैं, किस ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है, ठीक है उस ऑर्डर की बात करते हैं। तो इको आर वन, ई इसरेसिया, कोलाई का सीओ इको, आर इज स्ट्रेन, एम वन इज द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो इको आर वन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इसरेसिया कोलाई, स्ट्रेन इज आर वाई 13। ठीक है, इट इज द बैम एच वन बैसिलस एमाइलिकुफेसियंस है, और सेल टू जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस सेल है। तो इस तरह से जो है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो है नॉमेनक्लेचर को परफॉर्म करते हैं। हियर दिस इज द कटिंग ऑफ डीएनए, यहां पे कटिंग हो रही है डीएनए की। ठीक है, तो ये कटिंग ऑफ डीएनए को दिखा रहा है किस तरह से यहां पे एंडोन्यूक्लिएज वर्क कर रहा है और किस तरह से इसकी इनका फॉर्मेशन कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है हमेशा जो है अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही उसे कट करता है। ठीक है, और कहीं पे कट नहीं करता। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इट इज नॉट द टूल। ठीक है, इसको हम प्रोसेस में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। फिलहाल अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं, क्लोनिंग वेक्टर पे आते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। क्लोनिंग वेक्टर जो है इंक्लूड्स जो है ये प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज, ये दो जो है मेजर जो है क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। इन दोनों में कैपेबिलिटी होती है कि होस्ट सेल के अंदर जा करके जो है तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों। बैक्टीरियोफेज जो है अपने डीएनए को जो है अंदर बढ़ता है, होस्ट के जो है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के साथ जो है ये कंबाइंड हो जाता है, कंबाइंड होकर के अपने डीएनए और अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और सेम ऐसा ही प्लाज्मिड भी करता है। तो इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि होस्ट डीएनए के साथ जो है इनकॉर्पोरेट होकर के जो है अपना रेप्लिकेशन कर सके। ठीक है, और इसी जो है एबिलिटी को यूटिलाइज किया जाता है विद द बैक्टीरियल सेल इंट्रोड्यूसर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, और इसी इनकी एबिलिटी को यूज करके इसे हम वेक्टर के रूप में इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले एलियन डीएनए के पीस को जो है हम इनके साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, और फिर ये जो है इनकी कॉपी की जाती है। ठीक है, तो जो है ये क्लोनिंग वेक्टर हुए। देखो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर दिखाया गया है, यहाँ फिर से देखो, ये देखो प्लाज्मिड है, ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए से इसको कट किया गया,
कट करने और यहाँ से ये प्लाज्मिड से कट किया गया। अब प्लाज्मिड से कट करने के बाद जो है देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिको आर वन को देखो ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ठीक है और ये यहाँ कट किया गया। कट करने के बाद इसको यहाँ पे ले आकर के इंसर्ट कर दिया गया देखो ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया ठीक है। अब इसको जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल दिया गया। अब ये जो है फर्दर क्लोनिंग करेगा बहुत सारा बैक्टीरियल सेल बनाएगा और जो है सब में जो है यही प्लाज्मिड जो है डेवलप होगा इस फॉरेन डीएनए वाला जो है प्लाज्मिड जो है डेवलप होगा जिससे कि जो है डीएनए का जो है अमाउंट जो है हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया ये जो है हमारा टारगेट डीएनए है ठीक है ये क्लोनिंग वेक्टर है इसमें से ये जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है निकाला गया और निकालने के बाद इस प्लाज्मिड के साथ जो है ये अटैच कर दिया गया और ये सेल के अंदर गया और ये अपने आप को जो है रेप्लिकेट कर रहा है बार बार ताकि अपनी संख्या को बढ़ा सके। फीचर्स क्या होते हैं वेक्टर के फीचर्स ऑफ वेक्टर पे जो है हम एक अलग वीडियो जो है में बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं ठीक है। फिलहाल हम टूल्स पे जो है बिल्कुल फोकस कर रहे हैं ठीक है। फीचर्स ऑफ वेक्टर पे जो है हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे और उसमें जो हम देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर के कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक क्लोनिंग वेक्टर है PBR322 ठीक है। ये PBR322 जो है ये जो है नाम जो है दिया गया P फॉर प्लाज्मिड B फॉर बॉलीवर एंड R फॉर रॉड्रिगेज ठीक है। ये जो है इन्हीं के आधार पे नाम दिया गया है क्योंकि जो है ये फ्रांसिस्को बॉलीवर कैप्टा जो है जो थे हैं उन्होंने जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था ठीक है। और जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 4361 बेस पेयर की होती है। ये बुक में जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो है ये डायग्राम दिया हुआ PBR322 का। जब हम क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर के जो है फीचर्स को पढ़ेंगे तब हम इस PBR322 के बारे में जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है देखेंगे। ये PBR322 के जो डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये डिफरेंट पार्ट्स हैं क्या। तो ये था जो है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो है TI प्लाज्मिड जो है हम यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस का प्लांट के लिए एनिमल्स के लिए जैसे बैक्टीरियोफेज जो है हम यूज करते हैं ठीक है। उसी तरह से जो है हम प्लांट्स के लिए बेसिकली जो है TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियस में ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे हम TI प्लाज्मिड करते हैं। पहले ये पैथोजेनिक हुआ करता था अब ये पैथोजेनिक नहीं रहा ठीक है। तो अब जो है हम इसके जो है डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को जो है यूज करते हैं और यूज करके जो है इसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में या वेक्टर्स के रूप में जो है हम इसे यूटिलाइज करते हैं ठीक है। तो ये जो है नेचुरल डीएनए डिलीवरी सिस्टम एग्रोबैक्टीरियम का ठीक है। प्लांट स्पीसीज को इन्फेक्ट करता था और डीएनए जो है जिस जो प्लांट हार्मोन्स के लिए जो है इंपोर्ट करता है उसे ये डिलीवर करता है प्लांट के बॉडी में। डीएनए को इनकॉर्पोरेट करते हैं प्लांट के क्रोमोसोम में और वहां पे जा करके जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है और एक्सप्रेस करके देखो ये गाल और स्टिंग ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये पोर्शन और ये पोर्शन ये आपने पत्तियों पे देखा होगा अक्सर गालों की ठीक है ना। ये इसी एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है ठीक है। नेक्स्ट टूल इज जीन गन। जीन गन जो है वो उसको हम बायोलिस्टिक गन भी कहते हैं। जीन गन वो जो है टूल होता है जिसके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंसर्ट कराते हैं ठीक है। जैसे हम बायोलिस्टिक गन से जो है अगर गोली चलाएं तो गोली जो है किसी के भी बॉडी में जाकर के इंटर कर सकती है तो उसी तरह से बायोलिस्टिक गन या जीन गन जो होता है वो जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो है इंसर्ट कराने में हेल्प। तो ये जो था टूल्स था बायोटेक्नोलॉजी का जिनको कि हम यूटिलाइज करते हैं। इन टूल्स से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनको अभी हमने छोड़ा हुआ है वो अगले वीडियो में हम उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे जो है फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं ठीक है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है तो इन दोनों को जो है हम अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।